गाइज, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान कला, साहित्य, सार्वजनिक सेवा, खेल और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित नागरिकों को सरकार कई तरह की सुविधाएं देती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें सम्मान के दौरान पैसे नहीं दिए जाते। गाइज, अब आपको लग रहा होगा कि पैसे क्यों नहीं दिए जाते। भारत रत्न से सम्मानित नागरिक को इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। यह सम्मान केवल भारत के राष्ट्रपति देते हैं। भारत रत्न से सम्मानित नागरिक को VVIP के बराबर का दर्जा दिया जाता है। विदेश यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाती है। भारत रत्न पाने वालों का भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक प्रमाण पत्र और एक तमगा मिलता है। इस सम्मान के लिए साथ कोई रकम नहीं दी जाती। कि आप सोचो, भारत रत्न पाए हैं तो उसके साथ कुछ मनी भी मिली होगी? नहीं, कुछ नहीं मिलती है। जीवन भर भारत में एयर इंडिया के प्रथम श्रेणी की मुफ्त हवाई यात्रा और रेलवे में प्रथम श्रेणी में मुफ्त यात्रा दी जाती है भारत रत्न पाने वाले कैंडिडेट को। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर 92 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में एक मध्यवर्गीय मराठा परिवार में हुआ था। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता मिलता है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति अगर किसी राज्य में जाते हैं तो राज्य सरकार उन्हें राज्य के अतिथि के रूप में उनका स्वागत करती है। राज्य सरकार अतिथि परिवार के सदस्यों, मतलब कि उनके फैमिली को भी सुविधाएं प्रदान करती है। व्यक्तिगत स्टाफ और ड्राइवर भी दिए जाते हैं उनके लिए। भारत रत्न पुरस्कार विजेता एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के भी हकदार होते हैं। विदेश यात्रा के दौरान भी उन्हें कई सुविधाएं मिलती हैं। अब गाइज, आप जान गए होंगे कि भारत रत्न अगर आप पाते हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप पैसे की लालच में हो तो भारत रत्न का ख्वाब छोड़िए, क्योंकि भारत रत्न के टाइम पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, कई सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। इनकम टैक्स में छूट मिल रही है, और क्या चाहिए? ठीक है, आप मुफ्त में हवाई सफ़र करो, मुफ्त में ट्रेन की सफ़र करो। ठीक है, किसी भी राज्य में जाते हो तो आपको मतलब VVIP की दर्जा दिया जा रहा है कि भाई VIP आ गए। ओके, मेहनत करो, एक भारत रत्न ला के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो पहले, और कमेंट करके बताओ कि आपके शहर में, आप जिस स्टेट में रहते हो, उन वहाँ कितने लोगों ने भारत रत्न पाया है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।